स्लाइड ओपन हो गया। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्प्लाइसिंग में हमका जो हमने दो कैटेगरी देख लिया था, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। ठीक है, आज हमको देखना है ग्रुप थ्री इंट्रॉन्स। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसियोसोमल्स इंट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली ग्रुप थ्री इंट्रॉन्स के अंदर है ना। वन एंड टू हमने देख लिया था और मैंने आपको बताया था वन एंड टू जो है वो सेल्फ कैटेलिटिक होता है ना, वो खुद केमिकल रिएक्शन करते हैं। बट ग्रुप थ्री ऐसा नहीं होता। ठीक है, ग्रुप थ्री जो होता क्या होता है, वो प्रोटीन्स एंजाइम बेस्ड होता है। ठीक है, इसलिए इसको सेल्फ कैटेगरी एक्टिविटी में हम नहीं रख सकते है ना। तो इसको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखते हैं। देखो द थर्ड एंड लार्जेस्ट, ठीक है, द थर्ड एंड लार्जेस्ट क्लास ऑफ इंट्रॉन्स। ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में लाइन आता है द थर्ड एंड लार्जेस्ट क्लास ऑफ इंट्रॉन्स इंक्लूड दोज फाउंड इन द न्यूक्लियर एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट, दिस इज कॉल्ड स्पाइसोसोमल इंट्रॉन्स। ठीक है, स्पाइसोसोमल इंट्रॉन्स जो है वो थर्ड एंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंट्रॉन्स है। ठीक है, बिकॉज देयर रिमूवल अकर विद इन द कैटेलाइज लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड स्प्लाइसियोसोम। ठीक है, इसमें जो रिएक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के द्वारा होता है, जिसको हम कंबाइनली क्या कहते हैं, स्प्लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, जो अलग अलग प्रोटीन्स आके मिलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसोसोम कहते हैं। और इसलिए ये मैकेनिज्म को भी हम स्प्लाइसोसोमल स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, अब इसमें भी आपका क्या होगा, लैरिएट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जो हमने ग्रुप टू इंट्रॉन्स में देखा था कि वो लैरिएट का फॉर्मेशन करता था, सेम स्प्लाइसोसोमल मैकेनिज्म भी क्या करेगा, लैरिएट फॉर्मिंग मैकेनिज्म से जो है वो काम करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब द स्प्लाइसोसोम इज मेड अप ऑफ द स्पेशलाइज्ड आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, SNRPS बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफन इसको स्नूप भी प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, एंड ईच SNRP कंसिस्ट ऑफ अ 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। ठीक है, ये जितने भी आपके SNRP होंगे वो 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होते हैं। ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर RNA भी कहते हैं इसको। आप एग्जांपल देख सकते हो, तो बेसिकली आपका ये 5 SNRNAs रहता है जो आपका स्पाइसोसोम मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है। उसमें याद आपका नाम याद रखना, U1 है, U2 है, U4 है, U5 है एंड U6। ठीक है, इसमें याद रखना U3 नहीं है। ठीक है, U1 है, U2 है, 4, 5 एंड 6 है, U3 नहीं है। ठीक है, तो ये 5 SNRP है होते हैं जो कि स्पाइसोसोम मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन बेसिकली आपका न्यूक्लियाई में होता है और ये आपका हाईली कंजर्व सीक्वेंस होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, ये क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट आपका है, स्पाइसोसोमल इंट्रॉन्स जनरली हैव द डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, GUNAG। ठीक है, ये डाई न्यूक्लियोटाइड है, मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रेच होता है, एक आपका सीक्वेंस होता है GUNAG एट द 5' एंड 3' एंड। ठीक है, एंड दिस सीक्वेंस मार्क द साइट वेयर द स्प्लाइसिंग अकर। ठीक है, ये सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, यही सीक्वेंस से आपका स्प्लाइसिंग जो है वो होगा। ठीक है, द UNSRA कंटेन्स द सीक्वेंस कंप्लीमेंटरी टू द सीक्वेंस ऑफ द नियर 5' स्प्लाइस साइट ऑन न्यूक्लियर mRNA प्रोटीन्स। ठीक है, और ये जो U1 है वो क्या करेगा, इसके पास कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है mRNA के 5' स्प्लाइस साइट जो है उसके कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है, तो ये उसके थ्रू बाइंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं स्ट्रक्चर है, ये मैंने आपको बताया है। तो ये जो UN आपका UNAG वाला जो सीक्वेंस है, ठीक है, ये 5' की तरफ है और ये आपका U1 है। ठीक है, तो U1 के पास इसका जस्ट कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है, तो ये यहाँ पर आके बाइंड करता है। ठीक है, अब सेम आपका U2 है ना, तो U2 के पास क्या होता है, यहाँ पर इसके कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है ए वाला, याद रखना यहाँ पर एक एडेनिन है, यही इसी को बोलते हैं अपन ब्रांच पॉइंट। ठीक है, जहाँ पर एडेनिन रहता है उसको हम बोलते हैं ब्रांच पॉइंट, क्योंकि वहाँ पर कौन आके बाइंड करता है, U2 आके बाइंड करता है। ठीक है, और ये ब्रांच पॉइंट कहाँ पर रहता है, 3' की तरफ रहता है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से 3' पास है, तो जो एडेनिन वाला जो स्ट्रेच है वो आपके 3' की तरफ रहेगा, जहाँ पर UT आके बाइंड करता है
और U1 जो है वो 5 प्राइम में आपका जो AG और GU का सीक्वेंस है वहां पर वो आके बाइंड करता है। ठीक है, ये जस्ट इनिशियल है, अभी स्प्लाइसिंग का स्प्लाइसिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर तो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है द U1 ऐसा हैज सीक्वेंस नियर एट 5 प्राइम एंड एंड इज कम्प्लीमेंटरी टू द स्प्लाइस साइट एट द 5 प्राइम एंड ऑफ द इंट्रॉन्स। ठीक है, तो ये U1 क्या करेगा, बेस पेयरिंग करेगा इसके साथ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्टर कहाँ पर, 5 प्राइम के पास। एंड U2, ठीक है, U2 कहाँ बाइंड करेगा, एडेनिन रेसिड्यू के पास। ठीक है, ये मैंने बताया अभी, एडेनिन रेसिड्यू यहाँ पर बाइंड करेगा एंड बिकम द न्यूक्लियोफाइल ड्यूरिंग द स्प्लाइसिंग रिएक्शन। और यहीं पर से फिर आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है स्प्लाइसिंग रिएक्शन के समय। देन बेस पेयरिंग ऑफ U2 SnRNA कॉज द बल्ज दैट डिस्प्ले द हेल्प डिस्प्लेस एंड हेल्प टू एक्टिवेट द एडिनाइलेट। ठीक है, जैसे U2 बाइंड करेगा कहाँ, एडिनिन से, तो वो क्या होगा, एडिनिन आपका डिस्प्लेस होगा एंड एक्टिवेट, ये एडिनाइलेट एक्टिवेट होगा और इसका जो OH ग्रुप है विल फॉर्म द लेयर्ड स्ट्रक्चर थ्रू द 2 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। समझ आ रहा है, U2 जैसे ही बाइंड करेगा एडिनिन जो है वहां से डिस्प्लेस होगा और एडिनिन जो है वो उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और इसका जो सेकेंड OH पोजिशन है वो लैरिएट स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा और कौन सा बॉन्ड बनाएगा, 2 प्राइम एंड 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, इतना समझ आया, ये पहला स्लाइड में किसी को डाउट है? क्लियर है सबको? आगे बढ़ो। यस यस सर, सर एक बार और समझाइए ना। हाँ देखो, अभी यहाँ स्पाइसेस और मैकेनिज्म में क्या होते हैं, बेसिकली 5 प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज होते हैं। ठीक है, 5 टाइप्स के होते हैं, तो ये एक के बाद एक जो है वो आपका प्राइमरी आरएनए जो है, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जहाँ पर आपका एग्जॉन इंट्रॉन है वहाँ पर आके ये बाइंड करते हैं। तो सबसे पहले कौन बाइंड करता है, U1 बाइंड करता है। ठीक है, U1 कहाँ पर बाइंड करेगा, जो आपका 5 प्राइम पे GU और AG सीक्वेंस है ना, ये जो मैं आपको डायग्राम में बताया था 5 प्राइम पे, तो GU एंड AG सीक्वेंस है, यहाँ पर U1 बाइंड करता है। और U2 कहाँ बाइंड करता है, 3 प्राइम की तरफ जहाँ पर एडिनिन सीक्वेंस है। ठीक है, ये पिंक कलर में डायग्राम में दिख रहा है, एडिनिन सीक्वेंस है वहां पर बाइंड करता है। तो U2 के बाइंड करने की वजह से क्या होता है, उसका जो एडिनिन का OH ग्रुप है वो जो है एक्टिवेट हो जाता है और रिएक्शन करके लैरिएट स्ट्रक्चर बनाता है, सेम वैसे जैसे ग्रुप 2 में आपका लैरिएट स्ट्रक्चर बना था। ठीक है, और कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, 2 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इस स्लाइड में अभी इतना ही है, बाकी नेक्स्ट आपकी मैकेनिज्म। आवाज कट हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही है? रहा है सर, कट कट के आ रहा था। ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं उसको, है ना। तो U2 जो है वो एडिनिन में बाइंड करता है और एडिनिन उसके बाद रिएक्शन करके लैरिएट स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट स्लाइड क्लियर है? यस सर। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पूरा मैकेनिज्म देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको मेन सीक्वेंस याद रखना है कि कौन सा जो आपका आरएनए प्रोटीन है वो किसके बाद आता है। ठीक है, तो देखो ये आपका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, ये आपका एमआरएनए है, तो ये आपका जीयू सीक्वेंस है, ये एडेनिन है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रांच पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, एंड ये आपका एजी सीक्वेंस है 3 प्राइम की ओर। तो सबसे पहले कौन आ रहा है, UNSNRP आ रहा है। ठीक है, ये एटीपी की हेल्प से, उसके बाद आपका U2 भी आएगा। ठीक है, ये दोनों एटीपी की हेल्प से कहाँ कहाँ बाइंड करेंगे, U1 जो है वो GU सीक्वेंस में बाइंड करेगा 5 प्राइम की तरफ और U2 जो है वो एडेनिन सीक्वेंस से बाइंड करेगा। ठीक है, एडेनिन सीक्वेंस जो एडेनिन जो है वो जस्ट आपका 3 प्राइम का जो AG सीक्वेंस है उससे पहले है। ठीक है, तो U2 जो है वो एडेनिन में बाइंड करता है, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये तीनों प्रोटीन एक साथ आते हैं, U4, U6 प्लस U5, समझ
समझ आ रहा है? नेक्स्ट स्टेप में तीनों एक साथ आएंगे। अब ये कहाँ, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका ये जो लैरिड स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ये लैरिड स्ट्रक्चर क्यों बन रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया यू टू का जो एडिनिन है वो रिएक्शन करके जो है लैरिड स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो यहीं पर आपका ये कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा U4, U6 एंड U5, सेंटर पे बिल्कुल बाइंड करते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो कॉम्प्लेक्स बना इसी को हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसियोसोम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपके राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन हैं वो आके अटैच हो गए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसियोसोम बोलते हैं। लेकिन अभी ये जो है इनएक्टिव है, दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ इनएक्टिव स्प्लाइसियोसोम। क्यों इनएक्टिव बोल रहे हैं, क्योंकि अभी ये एक्टिवेट नहीं हुआ है और आपका जो है फंक्शन करना भी स्टार्ट नहीं किया। ये एक्टिवेट कब होता है, जब यहाँ पर फिर एक एटीपी आएगा और U1 एंड U4 जो है वो रिमूव होगा, समझ आ रहा है। तो जब U4, ये एक्चुअली होता क्या, इसमें U6 जो है आपका वो U1 के साथ अटैक करता है और उसके बाद यहाँ पर जब U6 आएगा वो वापस U2 में अटैक करेगा, तब आपका U1 और U4 जो है वो रिमूव होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के रिमूव होने के बाद ही आपका क्या बचेगा कॉम्प्लेक्स में, U5 बच रहा है, U6 बच रहा है एंड U2, ठीक है। तो ये तीनों मिलके जो है वो एक्टिव स्प्लाइसियोसोम बनाते हैं, ठीक है। जब U1 एंड U4 रिमूव हो जाएंगे तब एक्टिव स्प्लाइसियोसोम बनेगा, जो कि U6, U5 एंड U2 से मिलके बनेगा, है ना। अब यहाँ पर जो क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लैरिएट का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका U6 जो है उसमें हेलिकेज एक्टिव होता होगा और वो उसको ब्रेक डाउन करता है, ये दिख रहा है OH, यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये जो सीक्वेंस है UG वाला ये रिमूव हो गया, उसके बाद वापस ये इस पर अटैक करता है, यहाँ पर अटैक करेगा, ये AG सीक्वेंस के पास अटैक करेगा और यहाँ पर ये पूरा लैरिड स्ट्रक्चर को लेके निकल जाएगा, ठीक है। और आपका एग्जॉन जो है ये बच जाएगा, या एग्जॉन का जो है वो लाइगेशन हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो लास्ट में आपका U6 जो है वो अटैक करके OH ग्रुप जनरेट करेगा 5 स्प्लाइस साइट पे, और उसके बाद फिर ये जो है AG सीक्वेंस पे अटैक करेगा और उसको ब्रेक करके जो है इंट्रॉन्स को बाहर ले जा लेगा, ठीक है। ये लिखा हुआ इंट्रॉन्स रिलीज, और जो बचे हुए एग्जॉन हैं उनका जो है फिर वो लाइगेशन हो जाएगा, समझ आया। पूछो डाउट है तो। सर ये लास्ट तरफ का डायग्राम एक बार और सर। हाँ ठीक है, देखो सीक्वेंस बस याद रखना है, U1 U2, उसके बाद ये तीनों एक साथ आते हैं, ठीक है, U4 5 6। तो जिस समय ये बाइंड करेंगे ये इनएक्टिव रहेंगे, जैसे U1 एंड U4 जो है रिमूव होगा ये एक्टिव स्पाइसोसोम में आएगा, ठीक है। अब ये सब क्या करेंगे, U6 जो होगा बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पर चैन को ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पर OH ग्रुप जनरेट करेगा और ये लैरिड स्ट्रक्चर जो है वो रिमूव हो जाएगा, UG वाला सीक्वेंस जो है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद फिर से सेकेंड अटैक होता है, जैसे ग्रुप 2 में होता था बिल्कुल वैसे ही अटैक होगा, बस प्रोटीन जो है वो अलग अलग आते हैं। सेकेंड अटैक होगा और ये AG सीक्वेंस को ब्रेक करेगा और ये AG सीक्वेंस जो है वो यहाँ से फिर निकल जाएगा, ये आपका इंट्रॉन्स हो गया। अब जो एग्जॉन्स बचे हैं उसका वापस में लाइगेशन हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है आपको। यस सर, है ना, यहाँ पर जैसे लिखा भी डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड किया है, इंटरनल रीअरेंजमेंट, ठीक है। इंटरनल रीअरेंजमेंट कन्वर्ट दिस स्पीसीज टू एन एक्टिव स्पाइसोसोम, ठीक है। इनके बीच में इंटरनल रीअरेंजमेंट होता है इन विच U1 एंड U4 जो है वो एक्सपेल्ड होते हैं, बाहर हो जाते हैं, एंड U6 पेयर्ड विद द बोथ 5+ स्पाइस साइट एंड U2। तो U6 किसके साथ बाइंड करता है, 5' स्प्लाइस साइट, एंड जो U2 है जहाँ पर एडिनिन है, तो देख सकते हो आप यहाँ पर ये दोनों जुड़ गया है, एडिनिन और U6 जो है वो दोनों से बाइंड कर गया है, एंड दिस इज फॉलोड बाय द कैटालिटिक स्टेप्स विच पैरेलल दोस्तों स्प्लाइसिंग ऑफ ग्रुप 2 इंट्रॉन। देखो यहाँ पर सेम लिखा हुआ है, जब आपका एक्टिव स्प्लाइसोसोम बन जाएगा उसके बाद का जो मैकेनिज्म है वो ग्रुप 2 में जो हो रहा है कैटालिटिक एक्टिविटी बिल्कुल सेम वैसे ही हो रहा है, ठीक है। तो इसमें बस आपको कौन सा प्रोटीन आ रहा है वो याद रखना है, ठीक है, किस समय इनएक्टिव होगा वो याद रखना है और किस समय इनएक्टिव होगा वो याद रखना है।
ठीक है, क्लियर है? यस सर, है ना? अब ये ठीक है, ये उसी का ओवरव्यू है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ स्लाइड को, है ना? नेक्स्ट आपका ग्रुप फोर है ना। ग्रुप फोर में आपका क्या है, मैंने आपको बताया था, ये बेसिकली आपको ट्रांसफर आरएनए में होता है। तो देखो ये आपका क्या था, ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से होता है। तो इसमें ये इंट्रॉन्स ऑफ 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका किसका है, ट्रांसफर आरएनए का है। ठीक है, ये अभी आगे और आएगा, अभी मैं आपको अल्टरनेट स्पेसिंग पढ़ाऊंगा उसमें और आएगा ये। तो इसमें देखो ये वाला जो पोर्शन है वो आपका क्या है, इंट्रॉन्स का पोर्शन है, ठीक है, इतना पोर्शन। तो क्या होता है, जो एंडोन्यूक्लियस आता है वो इतने पोर्शन को क्लीव कर देता है, जितना मैंने रेड किया है इसको ये ब्रेक कर दिया, ठीक है। और क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, 2'3' साइक्लिक फास्फेट, ठीक है। ये देखो ये बाहर हो गया, ये जो है आपका बाहर हो गया, ठीक है। उसके बाद फॉस्फोडाइस्ट्रेज आ रहा है, काइनेज आ रहा है, एडीपी लेके लाइगेज आ रहा है, एंड फिर से फॉस्फेटेज आ रहा है। ये सब एंजाइम जो है मिल के क्या करते हैं, ट्रांसफर आरएनए बनाते हैं, जिसमें केवल एक्सॉन्स रहता है, इंट्रॉन्स रिमूव हो जाता है, समझ आ रहा है? तो ये केवल 2-step प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले एंडोन्यूक्लियस आएगा, इंट्रॉन्स को रिमूव करेगा, उसके बाद दूसरे एंजाइम्स आएंगे जिसमें काइनेज, लाइगेज, फॉस्फोडाइस्टरेज रहेंगे, और वो ट्रांसफर आरएनए के एक्सॉन्स को जो है वो ज्वाइंट कर देते हैं और एक मैच्योर ट्रांसफर आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। समझ आया? यस सर। है ना, ये बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, बस आपको एंजाइम का नाम याद रखना है। तो इसमें आपको बस एंडोन्यूक्लियस का याद रखना है और ये फॉस्फेटेज काइनेज एंजाइम आते हैं उसको याद रखना है ना। ये लिखा हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, स्प्लाइसिंग एंडोन्यूक्लियस क्लीव द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एट द बोथ एंड ऑफ द इंट्रॉन्स एंड देन 2 exons जॉइन बाय द मैकेनिज्म सिमिलर टू द डीएनए लाइगेज, ठीक है। लास्ट में आपका डीएनए लाइगेज आता है और वो जो एग्जॉन होता है उसको जो है वो ज्वाइन कर देता है, मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को फॉर्मेशन करेगा कुल मिलाकर, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 एंट्रॉन्स खत्म हुए, है ना। अब मैं नेक्स्ट आपका टॉपिक जो इसी में बता रहा हूँ, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर ऐड किया है, देखो ये स्प्लाइसिंग का एग्जांपल है, ठीक है, ये ताकि आपको समझ आए कि बेसिकली होता कैसे है, कोई प्रोटीन्स जो है वो कैसे बनते हैं, है ना। तो आपको एक स्लाइड दिख रहा होगा, ओवरव्यू ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ यूकैरियोटिक जीन, है ना। ये जीन आपका कौन सा है, ओवल एल्ब्यूमिन जीन है, ये ओवल एल्ब्यूमिन जीन है, मतलब एल्ब्यूमिन का जीन है जो कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन बनाएगा, है ना। तो देखो ये जीन में कितने हैं, 7700 बेस पेयर का ये जीन है, है ना। अब ये इधर आपका ये डीएनए है, तो डीएनए में ये जीन है, और ये 1, 2, 3, 4 आपका जो है इसी में मॉडिफिकेशन होगा, है ना। ये 5' एंड बोल सकते हो आप, और ये आपका 3' एंड है, ठीक है। ये आपका येलो वाला जो है ए बी सी डी, ये सब क्या है आपके, एंट्रॉन्स है ना। जो ए बी सी डी लिखा हुआ ये सब आपके एंट्रॉन्स है, और ये 1, 2, 3, 4 जो लिखा हुआ वो आपका एक्सॉन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनेगा, आपका एमआरएनए बनेगा, ठीक है। ये देखो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, उसके बाद 5' कैपिंग हो गया, तो यहाँ पर आपका ये 5' कैपिंग हो गया है, तो ये आपका एमआरएनए बना, ठीक है। तो एमआरएनए में आप देख सकते हो ये येलो वाला जो शो किया एबीसीडी वो आपका इंट्रॉन्स है, और जो ग्रीन वाला है वो आपका एक्सॉन्स है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हो रहा है, स्प्लाइसिंग हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, एंड पॉलीएडेनाइलेशन तीनों हो रहा है, और एक्स्ट्रा जो आरएनए है वो आपका रिमूव हो रहा है, और ये जो 7 इंट्रॉन्स है वो भी आपके रिमूव हो रहे हैं, और यहाँ पर आपका फिर मैच्योर एमआरएनए बन रहा है, ठीक है। जो कितने निक्लोटाइड का, केवल 1872 निक्लोटाइड का है। आप ऊपर देख सकते हो जीन कितना बड़ा था, 7700 का, बट जो मैच्योर एमआरएनए बना वो कितने निक्लोटाइड का, केवल 1872, 1872 का ही निक्लोटाइड का है। आप समझ सकते हो कितना बड़ा, मतलब इंट्रॉन्स निकलने से जो है जीन मतलब कितना छोटा रहता है, और इंट्रॉन्स की वजह से उसकी लेंथ जो है बहुत बढ़ जाती है, समझ आ रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे एमआरएनए प्रोसेसिंग जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन को जो है
फॉर्मेशन करता है। समझ आया एग्जांपल? यस सर। है ना? जिनका वो माइक ऑन है वो ऑफ कर दे, है ना, तो उससे क्या थोड़ा सा वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं बता रहा हूं उसके बाद, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग। इसका नाम सुना है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का? बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक नए क्वेश्चन आने ही वाले हैं, है ना। स्लाइड दिख रहा है? अब देखा स्लाइड? यस सर। हाँ, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग देख रहे हो आप? कितने लोगों ने नाम सुना है? सबको पता है क्या होता है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग? देखो, डिफरेंट एमआरएनए, डिफरेंट मैच्योर एमआरएनए आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सेम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, इससे पहले हमने स्प्लाइसिंग का मैकेनिज्म पढ़ा था, उसके बाद एक और नया मैकेनिज्म है जिसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। ठीक है, इसका मतलब जो नेचुरल स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म है उसके अलावा और भी तरीके से स्प्लाइसिंग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जो डिफरेंट मैच्योर एमआरएनए है वो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द सेम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? उस लाइन को ध्यान देना, जो है आपका सिंगल प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, उसमें उससे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एमआरएनए प्रोड्यूस हो सकते हैं। समझ आ रहा है? एक ही जीन से, एक ही प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से दो या तीन डिफरेंट टाइप के एमआरएनए प्रोड्यूस हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये डेफिनेशन याद रखना। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। मोस्ट एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस ओनली वन मैच्योर एमआरएनए, जनरली जो है वो एक ही प्रोड्यूस होता है ना, एंड क्रॉसबॉन्डिंग पॉलीपेप्टाइड, और एक उस एमआरएनए से क्या बनेगा, एक पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनेगा। ठीक है, बट सम कैन प्रोसेस्ड इन मोर देन वन वे टू प्रोड्यूस डिफरेंट एमआरएनए एंड दस डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, लेकिन कुछ एमआरएनए ऐसे होते हैं जो अलग तरीके से प्रोसेस होते हैं और वो डिफरेंट एमआरएनए बनाते हैं, डिफरेंट एमआरएनए बनाएंगे तो डिफरेंट प्रोटीन भी बनाएंगे। समझ आ रहा है? लेकिन उनका जो जीन होता है वो एक ही होता है, इसको याद रखना। ठीक है, बस वो स्प्लाइसिंग की तरीके से क्या होता है, जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है उसमें अलग अलग तरीके से स्प्लाइसिंग होता है तो प्रोटीन्स भी अलग अलग बनते हैं। ठीक है, उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन करता है मॉलिकुलर सिग्नल्स फॉर ऑल द अल्टरनेटिव प्रोसेसिंग पाथवे। जिनके पास सिग्नल होता है, जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है उसके पास, जो भी अल्टरनेटिव प्रोसेसिंग पाथवे होगा, द पाथवे फेवर्ड इन अ गिवन सेल इज डिटरमाइंड बाय द प्रोसेसिंग फैक्टर्स, RNA binding protein that promote one particular path. समझ आ रहा है? Process factors होते हैं इनके पास और RNA binding protein होते हैं जो कि एक particular कौन से direction में कौन सा protein बनेगा उसको decide करते हैं, है ना? And complex transcript have either more than one site for cleavage and polyadenylation or alternative splicing pattern. ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, कि जो कॉम्प्लेक्स ट्रांसक्रिप्ट बना है, ट्रांसक्रिप्ट मतलब जो सबसे पहले एमआरएनए बना है ना, उसमें आपका क्लीवेज साइट होगा, पॉलीएडिनाइलेशन साइट होगा और अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग पैटर्न होगा कि कहां पर से उसको स्प्लाइस होना है। ठीक है, इफ टू और मोर साइट क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन, द यूज ऑफ वन क्लोजेस्ट टू द फाइव एंड विल रिमूव। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि वहां पर अगर एक या एक से ज्यादा क्लीवेज साइट होंगे एंड पॉलीडेनेशन साइट है, तो जो फाइव प्राइम की तरफ सबसे पास होगा वो रिमूव होगा। ठीक है, फाइव प्राइम की तरफ जो पास होगा वो रिमूव होगा,
एंड दिस कॉल्ड द पॉलीएसाइड चॉइस. इसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म इज कॉल्ड द पॉलीएसाइड चॉइस. मतलब फाइव प्राइम की तरफ से जो रिमूव होगा उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, पॉलीएसाइड चॉइस. ठीक है. अब कुछ मैंने यहाँ एग्जाम्पल ऐड किया है, सम एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेट स्प्लाइसिंग है ना. जनरेट डाइवर्सिटी इन द वेरिएबल डोमेन्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स ह्यूमन चेन्स. ठीक है, आपने एंटीबॉडी का नाम सुना है. ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबिन्स मतलब एंटीबॉडी हुआ. तो डिफरेंट टाइप्स के जो एंटीबॉडी होते हैं या एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, आपने कभी देखा होगा हैवी चेन, लाइट चेन, उसके जो अलग अलग डोमेन्स होते हैं, कॉन्स्टेंट वेरिएबल होता है, वेरिएबल डोमेन्स होता है, कॉन्स्टेंट रीजन होता है, तो वो कैसे जनरेट होते हैं, वो अल्टरनेट स्प्लाइसिंग से होता है. ठीक है, जीन तो एक ही रहेगा, उसमें जो mRNA बनेगा वो भी एक ही रहेगा, लेकिन उसमें जब स्प्लाइसिंग होगा तो वो अलग, कुछ एग्जॉन अलग जुड़ेंगे, कुछ एग्जॉन अलग जुड़ेंगे, इसलिए अलग अलग उसका जो डोमेन्स है वो बनता है ना. एक एग्जाम्पल आपका ये है, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग पैटर्न प्रोड्यूस फ्रॉम कॉमन प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट थ्री डिफरेंट फॉर्म ऑफ मायोसिन. तीन डिफरेंट टाइप के आपको मायोसिन प्रोटीन मिलेंगे. हैवी चेन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रूट फ्लाई डेवलपमेंट. जब फ्रूट फ्लाई का डेवलपमेंट होता है तो उसमें थ्री डिफरेंट टाइप्स के आपका क्या होगा, थ्री डिफरेंट टाइप्स के आपके मायोसिन के हैवी चेन बनेंगे. ठीक है, तो एक ही जीन से, एक ही प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से क्या बन रहे हैं, थ्री डिफरेंट टाइप्स के हैवी चेन बन रहे हैं मायोसिन के. किसमें, फ्रूट फ्लाई डेवलपमेंट के समय. किसकी वजह से, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग की वजह से. समझ आ रहा है. नेक्स्ट में हम इसको एग्जाम्पल में देखेंगे द कैल्शियम. नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है द कैल्शियम रेगुलेटिंग हारमोन्स, दैट इज कैल्सिटोनिन. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्सिटोनिन इन रेड थायरॉइड, रेड के थायरॉइड में, एंड कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड इन रेड ब्रेन. ठीक है, तो ये जो आपका जीन है वो दो हार्मोन बनाता है. एक ही जीन रेड के ब्रेन में जो है वो अलग बनाएगा कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड बनाएगा, और उसका जो थायराइड ग्लैंड है उसमें कैल्सिटोनिन बनाएगा. समझ आ रहे हैं. तो ये जो हार्मोन है वो एक ही जीन से बनते हैं, एक ही mRNA से बनते हैं, बट ये अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं. ये फर्स्ट स्लाइड क्लियर हुआ, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग क्या है समझ आया. किसी को डाउट है तो पूछो. सर ये पॉली ए साइड चॉइस वाला है, एक बार और बता दीजिए बस. हाँ देखो, जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है उसमें अलग अलग रीजन होते हैं. ठीक है, जैसे मैं आपको बताया, तो क्लीवेज साइड भी होगा, पॉली एडिनाइलेशन साइड भी होगा, और जहां पर से स्प्लाइसिंग होना है, मैंने आपको इससे पहले भी फाइव स्प्लाइस साइड बताया था, फाइव प्राइम की तरफ, और थ्री स्प्लाइस साइड भी बताया था, थ्री प्राइम की, थ्री प्राइम की तरफ. ठीक है, तो अगर वहां पर मल्टीपल क्लीवेज साइड है तो वो एंड पॉलीएडेनाइलेशन साइट है, जहां पर मतलब ए का स्ट्रेच होगा, तो वो डिसाइड कैसे होगा कि कहां पर से कटना है. तो जो फाइव प्राइम के पास ज्यादा की तरफ, जो ज्यादा पास होगा फाइव प्राइम की तरफ, वो वहां से कटेगा. ठीक है, अभी आगे मैं स्ट्रक्चर में और बताऊंगा. और इसी मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, पॉली ए साइट चॉइस. मतलब वो जो प्रोटीन होगा वो सेलेक्ट करेगा, चॉइस करेगा कि हमको यहाँ से कट करना है. ठीक है, तो मल्टीपल पॉली ए साइट है तो आपको कौन से पॉली ए साइट से कट करना है, तो उसको वो सेलेक्ट करेगा. उसी प्रोसीजर को, उसी मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पॉली ए साइट चॉइस बोलते हैं. उसके नाम से ही क्लियर है ना. यस सर. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रहा हूँ कि कैसे डिफरेंट टाइप्स से जो है स्प्लाइसिंग हो सकता है. उसका नाम ही वही है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग. मतलब अलग अलग तरीके से स्प्लाइसिंग है ना. तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका एक एग्जॉन है, ये सब एग्जॉन है, ये mRNA प्रिकर्सर, एग्जॉन बोल सकते हो आप. और ये वाला आपका इंट्रॉन्स है. ठीक है, तो एक सेलेक्टिव स्प्लाइसिंग है. सेलेक्टिव स्प्लाइसिंग का मतलब क्या समझ रहे हो, जो आपका यहाँ पर जो प्रोटीन बनेगा उसमें केवल वन एंड टू पार्टिसिपेट कर, वन एंड थ्री. ठीक है, ये देख रहे हैं, ये वन एंड थ्री जो है वो जुड़ गए हैं. तो वन एंड थ्री वाला अगर मैं यहाँ पर ऐसे करके बना दूँ तो जो स्प्लाइसिंग बनेगा आपका, एग्जॉन जो जुड़ेगा ना वो केवल दो एग्जॉन रहेंगे यहाँ पर, वन एंड थ्री. समझ आ रहा है. तो यहाँ पर आपका जो प्रोटीन बनना है बन जाएगा.
वन एंड थ्री एक्सॉन से जो प्रोटीन बनना है ये प्रोटीन बन गया, ठीक है। सेम वैसे आप अल्टरनेटिव फाइव प्राइम डोनर साइट, तो फाइव प्राइम पे आपका जो है अगर यहाँ पर कोई आप सिक्वेंस है वो डोनर का काम करेगा तो ये फाइव प्राइम स्प्लाइस साइट डोनर साइट कहलाएगा। ये चॉइस वाला सिस्टम है कि वो जो प्रोटीन है वो आपका कौन सा साइट पे जो है वो अटैक करके उसको स्प्लाइस कर रहा है। तो फाइव प्राइम की तरफ डोनर साइट की तरफ अटैक करेगा तो वो वन टू थ्री भी मिल सकता है, अलग अलग मिल सकता है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो आपका एक दो तीन करके है आपका अलग अलग यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वन हो जाएगा, टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, तीन आपके एग्जॉन तीनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। देखो लेकिन इसमें आपका ऊपर वाले में केवल दो जुड़ा था, वैसे ही आपका थ्री अल्टरनेटिव थ्री प्राइम एक्सेप्टर साइट। तो देखो अब यहाँ पर ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो यहाँ पर से लेके आपका हो रहा है, क्योंकि ये थ्री प्राइम हुआ ना, ये आपका थ्री प्राइम है, ये आपका फाइव प्राइम आपका है। तो अगर आप इसको देखोगे ये वाला अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये आपका थ्री प्राइम एक्सेप्टर साइट होगा, ठीक है। तो इस समय जो है वो आपका अलग बनेगा। सेम वैसी अल्टरनेटिव पॉलीएडेनाइलेशन साइट, अगर पॉली ए साइट जो है वो अलग अलग है, आप देख सकते हो शुरू में सब में दो दो पॉली आपका साइट है, एक ये साइट है एक ये साइट है, ये भी आपका चल ही रहा है, ठीक है। वन टू थ्री कितने अलग अलग पॉली साइट है, लेकिन यहाँ पर आखिरी में जो है आपका एक ही पॉलीएडेनाइलेशन साइट आया है, ठीक है। तो वो यहाँ से इसको ब्रेक कर लिया है वो, तो इसकी वजह से भी क्या होगा आपका जो एग्जॉन एंट्रॉन्स जो होगा, एंट्रॉन्स आपका रिमूव हो जाएगा और जो एग्जॉन बनेगा वो अलग एग्जॉन बनेगा और उसका जो प्रोटीन है वो आपका अलग बनेगा, समझ आ रहा है। तो इस प्रकार से वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जॉन्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है और ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है एग्जॉन का वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। इसमें एक बात का ध्यान रखना, इसमें जो आरएनए है वो एक ही है, मतलब जो मेन आपका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है वो एक ही है, उसमें एग्जॉन पर अलग अलग तरीके से स्प्लाइसिंग हुआ है इसलिए अलग अलग वो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, समझ आया। फिर से बोलो आवाज। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, सब अपना म्यूट कर लो पहले जो। हाँ अल्टरनेटिव पॉलीएडेनाइलेशन साइट में क्या होगा, हाँ मैं बोल रहा हूँ आवाज आ रही मेरी। एक मिनट है ना, लास्ट वाला पूछ रहे हो ना, अल्टरनेटिव वाला। इसमें क्या होगा जो पॉलीएडेनाइलेशन साइट है वो चेंज हो सकता है, जैसे इसमें सब में क्या है दो दो आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये दिख रहा है आपके दो दो है वन टू करके। तो कौन सा वाला पॉलीएडेनाइलेशन साइट जो है वो आपका एग्जॉन के साथ जाएगा, ठीक है, उस पर डिसाइड हो सकता है ये। अगर कहीं ये वाला आपका आएगा तो इसका अलग बनेगा प्रोटीन, ये वाला कंबाइन होगा तो इसका अलग बनेगा प्रोटीन, ठीक है। सेम वैसे अगर वन एंड टू बन रहे हैं, इसमें सपोज आपका ये वाला वन बनेगा और ये वाला थ्री मिलके बन रहा है तो ये अलग प्रोटीन बनाएगा। तो अभी जो आपको बता रहा है एक कॉमन मैकेनिज्म है कि कैसे इस अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में जो है वो अलग अलग एग्जॉन या अलग अलग फाइव प्राइम साइट जिसको हम डोनर बोलते हैं या थ्री प्राइम जिसको हम एक्सेप्टर साइट बोलते हैं या पॉलीएडेनाइलेशन साइट, ठीक है, वो कंबाइन होके जो है वो अलग अलग प्रोटीन बना सकते हैं। ये आपका सिंपल मैकेनिज्म है, समझ आया। यस सर। सब उसके ज्वाइनिंग पे डिपेंड करता है, वो प्रोटीन फैक्टर आएंगे और वो किस तरह से ज्वाइंट कर रहा है उसके हिसाब से जो है आपका एग्जॉन बनेगा, मैच्योर एमआरएनए बनेगा और आपका फिर प्रोटीन बनेगा, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पर एक और मैंने डाला है मैकेनिज्म ऑफ अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, डायग्राम दिख रहा है। यस सर दिख रहा है सर। तो देखो यहाँ पर आपका एक पॉली ए साइट वाला है, ये पूरा आपका डीएनए है,
तो पॉलीएसाइट यहाँ पर एक एडेनिन का सीक्वेंस है जिसको हम पॉलीएसाइट A1 बोल दिए और यहाँ पर A2 बोल दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना, ये आपका DNA था और ये आपका mRNA है, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोल रहे हैं, और ये आपका कैपिंग भी हो गया। अब देखो क्लीवेज कैसे हो रहा है, क्लीवेज एंड पॉलीएडेनिलेशन एट A1 और नेक्स्ट आपका क्लीवेज एंड पॉलीएडेनिलेशन एट A2, ठीक है। तो ये A1 से ब्रेक हो रहा है और यहीं पर आपका पॉलीएडेनिलेशन हो गया, ठीक है, और दूसरे में क्या आ रहा है, A2 से ब्रेक हो रहा है क्योंकि ये साइट है पॉली ए साइट जहाँ पर से ब्रेक हो सकता है। तो जो भी आपका प्रोटीन आया वो दो जगह से ब्रेक कर रहा है, एक आपका A1 से ब्रेक कर रहा है और उसके बाद एंड में जो है वो एडेनिन का स्ट्रेच डाल दिया, और जो A2 जो है नेक्स्ट प्रोटीन जो आपका आपका A2 से ब्रेक कर रहा है तो वो आपका ये वाला आपका प्रोटीन एक्सॉन बना रहा है, समझ आ रहा है। और फिर बाद में यहाँ भी आपका कैपिंग हो जाता है और आपका ये पॉलीएडेनिलेशन हो जाता है, समझ आ रहा है। तो जितने पॉली ए साइड रहेंगे उसके हिसाब से वहाँ पर ब्रेक हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर है DNA एक ही है, DNA का जो जीन है वो सीक्वेंस एक ही है, mRNA जो बना है वो भी एक ही है, लेकिन जब स्प्लाइसिंग हो रहा है तो दो डिफरेंट टाइप के मैच्योर mRNA बन रहे हैं,